अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे बहुत प्यारे भाई, मेरे दोस्त, मेरी जान इमरान आमी, रावलपिंडी इस्लामाबाद के शोबिज़ मीडिया के जितने भी लोग हैं इनके नाम से बखूबी आशना है। पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में आज मेरे हाथ लग गया मेरा भाई, तो ज़रूर गपशप होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी भाई आप बहुत अरसे से गायब हो गए हुए हैं, और कहाँ गायब रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ हमारे व्यूवर्स को और अपने फैंस को बताएं। बाबा जी, एक बात है जो कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ और आपके सामने भी आज कहूँगा कि जब तक हम जो सीनियर लोग हैं थोड़ा सा साइड पे होके नए लोगों को मौका नहीं देंगे ना, तो नए लोगों का टैलेंट नहीं आगे आएगा। हमें चाहिए कि हम गैप नहीं हुए, ज़रा फ्रंट से बैक पे हो गए हैं और नए दोस्तों को अहमियत देते हैं। उसमें से नए लोगों में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, और जो नहीं अच्छे हैं वो उनको लोग खुद मुस्तरद कर देते हैं। हमने किसी को कुछ नहीं कहना, जो अच्छे होते हैं वो सीनियर की इज़्ज़त भी करते हैं और सीनियर को साथ ले कर भी चलते हैं। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आमी भाई ने बहुत प्यारी बात की, यही ज़िंदगी होती है। आप दूसरों को स्पेस दें, दूसरों के लिए रास्ता छोड़ें, और कामयाबी इसी में ही होती है। उस्ताद तभी होते हैं, बड़े लोग तभी होते हैं जब वो छोटों से प्यार करते हैं, उनको रास्ता देते हैं, सिखाते हैं। और छोटा और नया तो मैं नहीं कहूँगा, मेरा बड़ा शहज़ादा भाई इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, बहुत प्यारा नाम है, लेकिन आलमोस्ट मुझसे आमी भाई से बहुत जूनियर है। और यही मिसाल इज़्ज़त की, मोहब्बत की, प्यार की, कि आज ये मेरे दोनों शहज़ादे मेरे साथ खड़े हैं। आमी भाई हमारे भी सीनियर हैं और मैं इस प्यारे से शहज़ादे का सीनियर हूँ, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो ज़रा शहज़ादे अपने व्यूअर्स मेरे को अपना नाम बताएं खुद से। जी, असद मुग़ल नाम है मेरा, इवेंट एक्सप्रेस के नाम से कंपनी है मेरी इवेंट्स की, और अभी ये इवेंट सारा हम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। जी बाबा जी, आप बताएँ कैसे हैं। देखें, थोड़ा अनाउंसमेंट भी हो रही है, मे भी आपको आवाज़ कम पहुंची हो तो मैं इसको दोहरा दूं। मेरा बहुत प्यारा भाई असद ये इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहा है, और जो कंपनी, निजी कंपनी इसको ऑर्गेनाइज कर रही है उनके साथ इसका मुकम्मल कोलैबोरेशन है। और मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि असद, जैसा कि आमी भाई ने कहा, आप आए और माशाल्लाह 10 साल आपको हो गए हैं, आप काम कर रहे हैं, तो ये सीनियर्स ने, जैसे असद भाई ने कहा, स्पेस देना, कैसा लगता है कि जब सीनियर्स के साथ आप काम करते हैं और वो आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि इनको बिल्कुल साइड पे किया जाए और हम फ्रंट पे आ जाएं। जब तक इनका साया हमारे सर पे है तो हम लोग भी हिम्मत से काम करते हैं, तो इनकी जो है हाज़िरी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला करेंगे, मिल के करेंगे सारे। अच्छा व्यूअर्स, आप सबको जानते हैं, मैं आपको तकरीब का दीगर अहवाल भी दिखाऊंगा, और इस वक्त मेरी आंखों से भी आपको पता चल रहा होगा बड़ी थकन है। अब कोशिश करता हूं कि आमी भाई चाय पिलाएं या असद पिलाए, नहीं तो फिर बाबा तो हाजिर है, दोनों को पिलाएंगे। हम चलते हैं चाय पीने, आप देखते रहिए अब बोल न्यूज़।